अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो रमानी इलेक्ट्रिक। आज आपको एक डोंकी पंप की बोकी चेंज करने का तरीका बताएंगे। दोस्तों इसकी राड हमने पहले ही खोल ली है, अभी बस इसकी जो है राड हमने नहीं लगाई है, तो इसकी वजह से हमने राड पहले ही खोल ली थी, तो बाद में वीडियो बनाना शुरू करी। तो हम इसकी बोकी के डालना आपको सिखाएंगे किस तरीके से बोकी डाल दें। जो मेरे हाथ में जो नट है, ये पीतल का नट है, जेमी नट है, तो इसके अंदर हम बोकी न्यू बोकी डालेंगे आपके सामने। बिल्कुल डब्बे वाली अच्छी किस मतलब है कंपनी की है बोकी, क्लासिक की है। सबसे पहले इसको डालने से पहले हम इसका जो मुंह है वो खोलेंगे, प्लास के ज़रिए इसका मुंह खोलेंगे, ताकि हमारा प्रेशर बहुत VIP प्रेशर बनाए, ताकि हमारा पानी जो लीकेज होता है टूटता है, पानी का जो प्रेशर टूटता है तो इसी वजह से टूटता है कि बोकी सही नहीं डलती। लोग अच्छी तरह से इसको खोल लेना, नरम भी कर लेना, इसको नरम खुद ही हो जाती है, आप प्लास से सिर्फ खोल लेना, दोनों बोकियों को इसी तरीके से अच्छी तरीके से खोल लेना, ज़्यादा भी नहीं खोलना ताकि आपको लगाने में कहीं परेशानी हो। जैसे मैं खोल रहा हूँ इसी तरीके से आप भी खोल लेना, इसी तरीके से बिल्कुल सेम खोल लेना। ये देखो दोनों बोकी मैंने खोल ली, मतलब थोड़ा सा मुँह इन्हों को बड़ा हो ताकि थोड़ा जाने में तंग करे, क्योंकि जाने में थोड़ा तंग करेगी तो जब भी पानी का प्रेशर सही उठाएगी। देखो इसी तरीके से आपने नट एक लगा के और इसकी जो दूसरा नट या डिबरी है वो लगा लेने आपको इसी तरीके से। देखो ये पित्तल का है, वैसे तो लोग दूसरा लगा देते हैं लेकिन वो सही नहीं होता, ये है जेन्युइन नट है इसका अपना, इतनी जल्दी टूटता भी नहीं है, तो ये आप नट लगा दोगे तो अच्छा रहेगा। तो इसको अच्छी तरीके से हम पानी से टाइट करेंगे, इसको पाने या दूसरी जिस जो भी आपके पास पाना है उससे अच्छी तरीके से टाइट कर लेना। देखो इस तरीके से मैं भी टाइट कर रहा हूँ, ये देखो ये 15 का पाना, लेकिन स्क्रू पाना लगेगा। ये देखो इसी तरीके से बिल्कुल अच्छे तरीके से, जब तक इसको टाइट नहीं करोगे ये वापसी खुल जाएगा, फिर आपकी जो मेहनत होगी करी हुई सब ज़ाया हो जाएगी। तो इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ आपको एक ही हाथ में जो खोलता है तो उसी हाथ में मतलब एक ही चक्कर में अच्छे तरीके से इसको मतलब लगा ले, ताकि बाद में परेशानी ना हो आपको। ये देखो अभी मैंने अच्छे तरीके से बिल्कुल टाइट कर लिया है, बिल्कुल ओके, बोकी भी नए, नट भी नए और राड भी बिल्कुल न्यू लेके आए। देखो अभी इसकी जो राड की जो है ना बड़ी वाली सेड होती है वो इसकी बोकी की लगेगी, और जो छोटे वाली सेड होती है वो अंदर जाएगी मोटर के। ये देखो इस तरीके से हमने चढ़ा लेनी, देखो किस तरह बिल्कुल आराम से चढ़ रही है ये। इसकी जो चूड़ी पूरी करने के बाद उसको अच्छी तरीके से अभी पानी से या चाबी से टाइट कर लेना। अभी इसके अंदर 12 का पाना लगेगा, जो राड है ना इसके अंदर जो फिक्स पाना फंसेगा 12 का, देखो इसके अंदर राड के अंदर पाना लगेगा। ये अभी मैंने पाना लगाया लेकिन अभी जा नहीं रहा, थोड़ी मैं चोट मारूंगा थोड़ी के ज़रिए। ये देखो अभी मैंने थोड़ी सी चोट मारी तो ताकि फंस जाए बिल्कुल, ये देखो बिल्कुल फिक्स हो गया, हिलने का कोई चाल ही नहीं है अभी इसको। अभी हम जो टाइट करेंगे वो करेंगे बोकी के जो नट है अच्छे तरीके से राड के ऊपर टाइट करेंगे, ताकि हमारा जो बोकी है अगर आगे पीछे राड चलती है पानी उठाती है, ताकि हमारी राड की खुले ना, राड खुले ना या बोकी खुले। अगर बोकी या राड दोनों में से एक भी खुल गई तो फिर वही खोलना पड़ेगा, फिर दोबारा मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ अच्छे तरीके से आपको टाइट कर लेना है, जैसे अभी मैं टाइट कर रहा हूँ पानी से अच्छे तरीके से उसको 12 के पानी से फंसा के, और जो बोकी के अंदर पाना लगेगा वो 15 का पाना लगेगा। और इस तरीके से देखो जैसे आपके पास गोटी है तो गोटी से भी टाइट कर सकते हो, अगर गोटी आपके पास नहीं है अगर पाने तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, काम बिल्कुल आसान है, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, जैसे मैं कर रहा हूँ अभी ऐसे कर लेना, कोई मसला नहीं है। ये देखो हमारा जो नट है अच्छे तरीके से भी टाइट हो गया, लेकिन देख लो फिर भी आप भी ऐसे कर लेना बिल्कुल अच्छे तरीके से। और ये जो पाना हम लगाते हैं तो बिल्कुल फंस जाता है तो उसको चोट मारनी पड़ती है, तो अभी हम इसको थोड़ा सा मुझे लग रहा है थोड़ा लूज़ है, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ अपनी जो होती है ना बंदे को वह तसल्ली कर ले, तो इस वजह से हम इसको अच्छी तरीके से और थोड़ा टाइट करें, ज़्यादा टाइट भी ना करना, क्योंकि इसकी जो राड का जो चूड़ी होती है बिल्कुल आज आपको बताया आजकल कैसी आ रही है तो वो चूड़ी टूट जाएगी, इसकी वजह से इतना टाइट करना है कि जितनी चाल हो बस। देखो अभी अच्छी तरीके से हमारी टाइट हो गई, बिल्कुल बिल्कुल टाइट हो गया है। अभी हम इसके मोटर के अंदर जो है अभी लगाएंगे, फिक्स करेंगे। अभी आपके सामने देखना ये बिल्कुल राड खाली है, और ये बेरिंग वाली मोटर है, ये जो मोटर है डोंगी पंप है बेरिंग वाला है। अभी हम आपके सामने इसको अंदर लगाएंगे, राड को देखना आपके सामने तंग तो करेगी लेकिन जो तंग करेगी तो अच्छी जाएगी। देखो अभी लगाने में कितनी मतलब की परेशानी करेगी लेकिन फिर भी सही है, मतलब जो आराम से जाए वो पानी सही नहीं खींचेगी, टाइट नहीं खींचेगी, पानी का प्रेशर तोड़ेगी, खींचने में भी कमी करेगी और आगे प्रेशर तोड़ेगी। मतलब देखो अभी जा नहीं रही, अभी बिल्कुल भी मैंने प्लास से चोट मारी फिर भी ये जाने को राज़ी है ही नहीं, ये देखो नहीं जा रही आगे, खाली इधर इधर घूम रही प्लास से। अभी मैं एक वाला पिक्चर्स जो है ना इससे मैं इसकी जो साइड जो है ना मैंने जो साइड मैंने इसकी खोली थी तो उसको मैं थोड़ा दबाऊंगा, ऐसे हल्का हल्का दबा के उसको अंदर कर दूंगा, ताकि ये एकदम अंदर चली जाए, फिर बाद में खुद ही अपनी जगह बना लेती है। अभी देखो मैं प्लास से थोड़ा टाइट करूँगा ये अंदर चलेगी,
ओए अभी थोड़ा चोट मारूंगा हल्का फुल्का। देखो ये पिक्चर से मैं सेट करूंगा, ये देखो थोड़ी सी किनारी रह गई थी, अब इसको मैं सेट करूँगा। आपको अच्छी तरीके से किनारी इसकी बिठा लेने, ये ना हो कि आप एक तरफ से बिठा दे और एक तरफ से उठी रहे तो आप चोट मारे तो आपकी ख़राब हो जाए। ये देखो अभी बिल्कुल आराम से अंदर चलेगी, कितनी इजीली काम हो गया, बिल्कुल आसानी से काम है, कोई मुश्किल नहीं है। लोग बोलते हैं यार बुकिंग डालने नहीं आती, मैं किससे करें बताओ बुकिंग डालने का तरीका मुझे बताओ। ये देखो बिल्कुल आसान है, हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। देखो अगर हमारी वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी करें। अभी प्लास से मैं इसको हल्का हल्का टाइट कर रहा हूँ, ज़्यादा टाइट नहीं कर रहा, अभी जो टाइट होगा वो पानी से ही होगा, खाली हल्का सा इसको मैं अंदर मतलब कि अंदर की तरफ जो धक्का दे रहा हूँ प्लास से, ताकि हमारे जो चूड़ी एक दो चूड़ी चट जाए, उसके बाद में पानी से टाइट करूँगा। आप प्लास से टाइट नहीं करने लग जाना, क्योंकि प्लास से टाइट कभी होगा भी नहीं, अगर हो भी गया उसी टाइम खुल जाएगा ये। देखो राड हमारे अंदर लग गई है, अभी राड लगने के बाद अभी हम इसको थोड़ा और प्लास से थोड़ा टाइट कर लेंगे, उसके बाद टाइट करने के बाद हम इसको पानी से टाइट करेंगे। मैं चाल बना रहा हूँ ताकि थोड़ी सी मतलब एक दो चूड़ी जो है ना इसकी जो ढीली ढीली जो होती है आराम से चढ़ जाती है, वैसे से हम चढ़ाएंगे। अभी हम पानी से देखो ये है 12 तरह का पानी, लेकिन ये नहीं लगेगा, इसके अंदर लगेगा 14 का पाना। देखो आपके सामने लगा के दिखाएंगे, जो गोटी का जो बोकी का पाना होता है ना 14 का लगता है, बोकी भी हो उसका गोटी भी हो या पाना हो फिक्स पाना आपके पास जो भी है 14 का लगेगा। और इस तरीके से देखें जैसे मैंने आपको लाड़ का जो नट करना बंद करना सिखाया था, इसी तरीके से ये भी होगा। और इसको बिल्कुल ध्यान से टाइट करना है, क्योंकि इसका बड़ा मुश्किल होता है, ये जो काम है बड़ा आखिर में मुश्किल होता है। अगर आपने थोड़ी सी भी गलती करी जो उसके आगे वाली राड़ की चूड़ी है ना वो मोटर के अंदर ही रह जाएगी, फिर आपका पूरा डोंकी पंप खुलवाना पड़ेगा आपको, एक बोकी की वजह से फिर आपको पूरा डोंकी पंप खुलवाना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि आप नुकसान हो आपका। ये देखो इस तरीके से देखो बोकी कितनी फिक्स बैठ चुकी है, देखो आपके सामने, और माशाल्लाह प्रेशर भी बहुत अच्छा उठाएगी, देखना आपके सामने। ये देखो बिल्कुल टाइट कर दी, ज़्यादा टाइट नहीं करनी होती, बिल्कुल आराम से मतलब सही सही टाइट करनी होती है, ज़्यादा टाइट करेंगे तो ये फिर मसला करेंगे। अभी देखो बिल्कुल चाल सही है, देखो व्हील मैंने घुमा रहा हूँ लेकिन सही चल रही है। देखो ये देखो कैसे अंदर आप आ रही है, देखो ये चेक करें आप, ये देखो बिल्कुल फिक्स है, कोई पानी लीक नहीं करेगी ना प्रेशर तोड़ेगी। अभी हम आपको चेक भी कराते हैं, सब्र करें, आपको चेक कराएंगे इसकी जो पैकिंग वैकिंग, इसको जो ढक्कन है वो लगाएंगे और पानी इसको पीछे से मारेंगे। देखो इसका ढक्कन है, अभी नए पंप पे ये बेरिंग वाला, देखो अब पहले कौन सा आता था, अभी जो नए ज़माने के आपको बताए नए दौर है तो नए नए आते रहते हैं। तो सबसे पहले इसको हम ये 12 का नट है, 12-13 का नट है, इसको हम नट को दोनों नट को टाइट करेंगे। सबसे पहले हमको एक नट लगा लेना, फिर उसके बाद दूसरा नट लगाना है, और दोनों पहले एक हल्का सा टाइट करना फिर दूसरा ऐसे टाइट कर लेना, ताकि हमारे जो दोनों नट है आराम से फिक्स बैठ जाए, तो फिक्स बैठ जाए। इस वजह से देखो जैसे मैं कर रहा हूँ 12 तरह का इसके अंदर पाना लगेगा, इसी तरीके से आपको नट टाइट कर लेना, बिल्कुल अच्छे तरीके से टाइट कर लेना, इसमें बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं देना। अगर थोड़ा सा भी लीकेज हुआ तो पानी नहीं खींचेगा, पानी उठाएगा नहीं, बोकी में फिर इशू करेगा मतलब। तो हमने इतनी मेहनत करी तो मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से टाइट करें, बिल्कुल इसमें बिल्कुल भी चाल नहीं छोड़नी है आपको। और इसकी पैकिंग देख लेना, पैकिंग सही है ख़राब है, पैकिंग अगर ख़राब होगी तो ये हवा लेगी एयर लेगी तो फिर आपको पानी नहीं खींचेगी, फिर आपको तंग करेगी, फिर आपको समझ नहीं आएगा इसके अंदर फॉल्ट क्या है। तो इसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ जो भी इसका जो मसला है वो क्लियर करना। ये देखो अभी आपको हम चला के चेक कराते हैं, बिल्कुल ओके हो चुकी है। इसके अंदर मैं पीछे से मैं पानी मारूंगा पैंप से, देखो इसका जो पैंप है ना जो पीछे से जो है उल्टा प्रेशर बोलते हैं जिसको, मतलब कि एक बाल्टी मैंने भर के मतलब पानी इसके अंदर डाल दिए। अभी मैं आपको चला के चेक कराऊँगा किस तरीके से मतलब ये चलती है, और प्रेशर का आप चेक करना अभी, क्योंकि बोर तो यहाँ पर नहीं है, वाटर सप्लाई, तो वाटर सप्लाई भी पानी आ नहीं रहा, तो अभी हम ऐसे चेक कराएंगे आपको प्रेशर किस तरह मतलब चलती है, इसका हवा आपको चेक कराएंगे। अभी मैंने पानी डाल दिया तो अभी मोटर आपको मैं चला के चेक कराता हूँ, ये देखो अभी मैं आपको चेक कराता हूँ मोटर में, अभी ऑन कराता हूँ, ऑन करा के फिर आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से चलती है। देखो पानी मैंने डाला पीछे से लेकिन खुद ही आ रहा है, लेकिन अभी मैं ऑन करूँगा फिर देखना प्रेशर कैसा बनेगा, कैसा इसका आवाज़ होगा, अब चेक करना आपके सामने अभी चलेगी। देखो अभी मैं ऑन करा रहा हूँ, ये देखो ऑन हो गया ये मोटर, गाइज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी करें और शेयर करना मत भूलें। दोस्तों इसको प्रेशर चेक करो, इतना हाई प्रेशर है इसका, जब लेट आएगी तो बहुत मतलब पानी आएगा, बहुत तेज़ पानी उठाएगा, प्रेशर बहुत अच्छा बन रहा है। देखो